आप सभी को नमस्कार। आज कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे, रविवार के दिन भी रहे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी भी हैं, उनका भी स्वागतम। बंधुगण, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का शासन दिल्ली में रहा, जिस प्रकार से काम नहीं करना और एक माहौल ऐसे बनाना जिससे यह प्रतीत हो कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं और सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आज एक उदाहरण के सहित हम उनके इस पोल को खोलेंगे। काम न करना, केवल काम का फिक्र करना और फिक्र का जिक्र करना, यह अरविंद केजरीवाल जी का यूएसपी रहा है। और खास करके विज्ञापनों के माध्यम से अपने पार्टी के भिन्न भिन्न विषयों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करना, जो धरातल पे वास्तविकता नहीं है। आजकल भी हम टीवी ऑन करते हैं तो पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन के साथ देखते हैं। मुझे याद आता है जब पहली बार दिल्ली सरकार गठित हुई थी 2014 में, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ठीक इसी प्रकार टीवी में आते थे और कहते थे कि आप में से कोई भी करप्शन को मत सहना, अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो हम एक फोन नंबर देंगे, आप तुरंत उस पर फोन कर देना, मैं बैठा हूं, मैं पकड़ लूंगा उन लोगों को और सारे भ्रष्ट लोग जेल के पीछे होंगे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। शीला दीक्षित जी के विषय में तो एक अटैची थी उनके पास, वहां से लेके लालू प्रसाद यादव इत्यादि 13 लोगों की लिस्ट भी थी। आज कुछ खुलासा हम तथ्यों के माध्यम से करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी अर्थात आम आदमी पार्टी का जो पहला कार्यकाल था दिल्ली में सरकार के रूप में, वह 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक का था। 8 जनवरी 2014 को आप सभी को याद होगा, एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, एंटी करप्शन हेल्पलाइन अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं लॉन्च किया था। वो नंबर भी आपको याद होगा, बहुत विज्ञापन हुआ था उस नंबर का, 0112735 7169, यह वो हेल्पलाइन था। और दावा किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी खुद आते थे टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से दावा करते थे कि हजारों हजार फोन कॉल्स इस नंबर पे आ रहे हैं और बड़ा विशिष्ट कार्यवाही जो है इस पे होने वाला है, हजारों कॉल्स आ रहे हैं, ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। दूसरा कार्यकाल आम आदमी पार्टी का 2015 से 2020 तक था, 2020 तक था। 5 अप्रैल 2015 को पुनः एक नवगठित हेल्पलाइन लॉन्च किया गया था, एक नया नंबर लॉन्च किया गया था, एंड द न्यू नंबर वॉज 1031। और यह जो नंबर था, यह विजिलेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट, सतर्कता विभाग के अंतर्गत था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखेगी और जो भी कॉल्स इसमें आएंगे उस पर कार्यवाही करने का काम विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट इन सारे कॉल्स को ACB एंटी करप्शन ब्यूरो उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर में था, ACB के पास भेजेगी। इस पर भी बहुत विज्ञापन हुआ, एक ऐसा माहौल बनाया गया मानो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की चेष्टा अरविंद केजरीवाल जी की है। आपको याद होगा उसके पश्चात दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग अर्थात विजिलेंस डिपार्टमेंट में से ACB चला गया, ACB उनके पास नहीं रहा। जब ACB उनसे छिन गया तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ आंकड़े रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आंकड़े रखा कि ये जो हेल्पलाइन 1031 खोला गया था उसके माध्यम से जो कॉल आए थे उनकी संख्या 1,25,000 की थी, 1,25,000 कॉल्स वर रिसीव्ड थ्रू दिस हेल्पलाइन, द एंटी करप्शन हेल्पलाइन दैट इज 1031, एंड मोस्टली दीज एंटी करप्शन कॉल्स, ये जो भ्रष्टाचार के विरोध जो कॉल्स थे, ये कॉल्स कुछ विभागों की थी जिसमें MCD, पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सम्मिलित थे, कि इन 4-5 विभागों का बहुत कॉल्स आया है, 1,25,000 कॉल्स आई है। और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था उस समय कि इसके आधार पर
लगभग 152 अधिकारियों को निलंबित अर्थात सस्पेंड किया गया है और 35 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरटीआई का सिलसिला चालू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन है। लोगों ने जानना चाहा कि वास्तविकता इस नंबर का क्या था, कितने लोगों को वास्तविक रूप से इसमें सजा हुआ। जो दिल्ली पुलिस की आरटीआई की जवाब 13 मई 2015 को दिल्ली पुलिस से या आरटीआई में मांगा गया कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है कार्यवाही करने की, एफआईआर दर्ज करने की, शिकायत दर्ज करने की, वो तो आप हैं, तो कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्यवाही हुई। तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुल मिलाकर के 1031 पे 282 कॉल्स मात्र आए और 7 केस दर्ज हुए। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए, भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए, डिफरेंस देखिए 1,25,000 और 282, और केवल 7 केस दर्ज हुए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई 7 केस दर्ज हुए। ठीक उसी प्रकार स्पेशल सीपी एंटी करप्शन, एंटी करप्शन एक विभाग था, उसके जो स्पेशल सीपी थे, स्पेशल सीपी के अनुसार 20 अप्रैल 2015 को उन्होंने कहा कि ये जो 1031 हेल्पलाइन था इसमें मैक्सिमम 451 शिकायतें आईं, 11 मामले दर्ज हुए, 7 से 11 मामले। एजीपी एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए, पुलिस ने कहा 7 मामले दर्ज हुए। बाद में आपको पता है ये जो हेल्पलाइन था 1031 जिसके ऊपर इतना फैनफेयर हुआ था कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा, करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये बंद हो गया, ये कोविड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसी प्रकार के एक हेल्पलाइन को लेकर, वो कहीं ना कहीं पंजाब बदल जाएगा, इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक में है, कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड कीपिंग कुड बी डन। व्हाई? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार ने उस समय निजी स्वयंसेवकों को रखा था, निजी मतलब अपने ही जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, उनको रखा था इस काम को करने के लिए। सो देवर नॉट क्वाइट डेप्थ, उनको पता नहीं था कि इस प्रकार इस हेल्पलाइन को हैंडल करना है, इसलिए कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुआ है, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तविक रूप में किसी पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक मुहावरा है। आप सोच के देखिए इतना कुछ कहा गया था, अरविंद केजरीवाल जी किस तरह हाथ ऐसे ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रोज कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, आप बिल्कुल डरिएगा मत, मैं बिल्कुल हूं ना, मैं आप फोन करिए मैं बैठा हूं, सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये हेल्पलाइन ही सब कुछ है। कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ है, कोई जेल नहीं गया है, इतने वर्ष बीत गए। ये जो इनकी रणनीति है कुछ नहीं करना, केवल जिक्र करना और जिक्र का फिक्र करना, आज उसी विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अध्यक्ष जी, आदेश जी अभी जहांगीरपुरी जाने वाले हैं, तो जो आपने प्रश्न पूछा है स्वाभाविक रूप से वो वहाँ एक बार निरीक्षण करने के बाद प्रश्नों के उत्तर जरूर रखेंगे। जहाँ तक जहांगीरपुरी का विषय है, अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, मुझे लगता है हम सबको इन्वेस्टिगेशंस के नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए, मगर साथ में ये भी हम कहना चाहेंगे कि कल जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा था कई और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, जिसमें कुछ लेफ्ट के नेता भी थे, यह चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय है क्योंकि जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, चयनात्मक राजनीति विपक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं वह देश के लिए उचित नहीं है, देश के लिए हानिकारक है। सोनिया जी ने इस चिट्ठी में विचारधारा की बात की थी। आज प्रश्न उठता है कौन सा ऐसा विचारधारा है जो देश में इस प्रकार दंगे कराता है। इस विचारधारा का नाम 70 वर्षों से एक ही है और उसका नाम है तुष्टिकरण की विचारधारा, द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिसी ऑफ टुष्ट करना। मुझे लगता है ये बहुत दुखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।